काउंसिल ऑफ इंडिया के नवशिखर चैनल में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ आज हम चर्चा करने जा रहे हैं लो विज़न के बारे में लो विजन को किस प्रकार से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और किस प्रकार से रीहेबिलिटेट कर सकते हैं इस बारे में हम बात करेंगे विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मनजीत सिंह सैनी मिस्टर मनजीत सिंह सैनी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं स्पेशल एजुकेशन में एट कॉम्पोजिट री कॉम्पोजिट रीजनल सेंटर सुंदरनगर मंडी हिमाचल प्रदेश मिस्टर सैनी इज़ बीन वर्किंग इन द एरिया ऑफ लो विजन सिंस 1989 एटी और इन्होंने अपना करियर शुरू किया एज़ अ टीचर फॉर चिल्ड्रन विद लो विजन एट एन देहरादून एक प्रोजेक्ट आया था uh, जो फर्स्ट प्रोजेक्ट था मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर का अबाउट चिल्ड्रन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद लो विज़न डॉक्टर मिस्टर सैनी उसके पार्ट भी थे उन्होंने वहाँ से अपना करियर शुरू किया मिस्टर सैनी ने एम किया है इंग्लिश में हिस्ट्री में पोलिटिकल साइंस और सोशोलॉजी में एंड ही इज़ ऑल्सो मास्टर्स इन सोशल वर्क हीज़ ऑल्सो डन हिज़ पी जी पी डी इन एच आई एंड ही इज़ डन हिज डिप्लोमा इन बी आई तो मिस्टर सैनी आज हमें बताने जा रहे हैं कि क्या है लो विजन और किस प्रकार से हम इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कैटेगराइज कर सकते हैं और किस प्रकार से रिहेबिलिटेट कर सकते हैं आइए सर का स्वागत करते हैं सर आपका स्वागत, स्वागत है आर सी आई में तो चर्चा शुरू करें हाँ। लो विजन एक ऐसी टर्म है जो कि समझने में बड़ी आसान भी है और थोड़ी कठिन भी है इन द सेंस जिसको हम बोलते हैं क्षीण दृष्टिवान सबसे पहले हम ये जानना आ, बताना चाहूँगा कि लो विज़न टर्म का आगमन हमारे देश में किस प्रकार हुआ इससे पहले कौन कौन सी टर्म्स यूज़ हम करते थे बोलते थे उदाहरण के तौर पर जैसे पार्शली ब्लाइंड एक टर्म आई थी हमारे देश में पहले इसका प्रयोग हम करते थे बोलचाल में जिसका विरोध हुआ इस कारण से कि ये वो लोग थे जिनको थोड़ा बहुत दिखाई देता था और दिखाई नहीं भी देता था तो एक पॉजिटिव अप्रोच को लेते हुए जब बात चली तो ये हुआ कि इनको हम पार्शली साइटेड बोलें जब के पास कुछ शेष दृष्टि है वेन दे डू हैव रिमेनिंग विजन सो वाई नॉट कॉल देम एज पार्शली साइटेड तो एक सकारात्मक सोच वाली बात बीच में आई थी तो उनको पार्शली साइटेड बोला गया यूं तो नाइनटीन सिक्सटीज के दशक से वेस्टर्न कंट्रीज़ में लो विजन का क्षेत्र काफ़ी विस्तार से भर चुका था इस पर काफ़ी शोध हो चुका था पर अगर सच बोलें तो हमारे देश में नाइनटीन से इसका प्रयोग शुरू हुआ है लो विज़न क्या है कौन लोग इससे ग्रसित होते हैं उनकी कठिनाइयाँ क्या हैं क्या परेशानियाँ हैं पढ़ाई में क्या दिक्कतें आती हैं कम्युनिटी में स्कूल में एनवायरनमेंट में क्या क्या परेशानियाँ इन बच्चों को झेलनी पड़ती हैं इसके बारे में हम आज ये चर्चा करेंगे और मैं आपको बताना चाहूँगा विस्तार से सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि वट इज नॉर्मल विजन ये स्लाइड पहली स्लाइड मेरी है वट इज नॉर्मल विजन अ पर्सन इज एबल टू परफॉर्म ऑल क्लोज एंड डिस्टेंट विजुअल टास्क दैट आर नॉर्मली एक्सपेक्टेड इन कम्युनिटी आमतौर पे नॉर्मल विजन उसे कहते हैं जिससे कि हम आमतौर पे सारे अपने कार्य दैनिक क्रियाएं आसानी से कर लेते हैं इसमें एक टर्म्स और भी आती हैं साथ साथ खास तौर से ये टर्म्स उन बच्चों को भी समझनी बहुत ज़रूरी है जो डिप्लोमा लेवल के या बी लेवल के कोर्सेज़ विजुअल पेरेंट में कर रहे हैं आर से द्वारा विजुअल एक्यूरिटी और विजुअल फील्ड इनको समझे बिना इनको जाने बिना कि विजुअल एक्यूरिटी का मतलब क्या है विजुअल फील्ड का मतलब क्या है हम परिभाषाओं को नहीं समझ सकते हैं यूँ तो परिभाषाएं लो विजन की पीडब्ल्यूडी एक्ट में भी हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन की भी परिभाषा लो विजन पर है दोनों में कुछ भिन्नताएं भी हैं लेकिन उनमें क्या भिन्नताएं हैं क्या डिफरेंसेस हैं उनकी मतलब क्या है उनको हम तभी समझ पाएंगे जब हम इस टर्म को सही मायने में समझ सकेंगे विजुअल एक्यूटी जिसे हम हिंदी में कहते हैं दृष्टि क्षमता दृष्टि क्षमता क्या है अगर हम इसे एक लाइन में डिफाइन करें इट इज अ मेजर ऑफ द आई टू सी डिटेल एक्यूटी का अगर हम डिक्शनरी मीनिंग देखें डिक्शनरी में इसका अर्थ ढूंढें तो इसका मतलब होता है शार्पनेस शार्पनेस ऑफ विजन यहाँ बात क्योंकि दृष्टि की हो रही है तो शार्पनेस ऑफ विजन से ही इसका मतलब है एक्यूटी विजुअल एक्टी से हम किसी भी वस्तु को उसकी बारीकियों को पहचान सकते हैं उदाहरण के लिए कलर शेप साइज डिस्टेंस इत्यादि विजुअल एक्यूटी हमारे दो प्रकार की होती हैं डिस्टेंट और नियर डिस्टेंट एक्यूटी को हम जब नापते हैं उसको हम सरल चार्ट के द्वारा नापा जाता है मैं अपने साथ एक चार्ट भी लाया हूँ ये एक्सर्नल चार्ट है आप लोगों को ये उल्टा दिखाई दे रहा होगा ये वाकई में उल्टा ही है ये चार्ट आमतौर पर सर्जिकल शॉप्स में उपलब्ध होते हैं ये चार्ट हिंदी में इंग्लिश में जितनी भी भाषाएं हैं उर्दू पंजाबी मलयालम सभी में ये मिल जाता है इससे दूर दृष्टि नापी जाती है ये उल्टा इसलिए है क्योंकि आई अपथोलोलॉजिस्ट आई सर्जन्स आई डॉक्टर्स जब इसकी रेटिंग करते हैं दृष्टि क्षमता को नापते हैं तो इसमें न्यूनतम दूरी जो होती है वो छः मीटर की होनी चाहिए तो कई बार छः मीटर भी स्थान नहीं होता है कई क्लिनिक्स में तो ये उल्टे चा का जो चार्ट बना हुआ है इसका प्रयोग में लाते हैं और एक शीशे द्वारा मिरर द्वारा उसका दुगना हो जाता है यानी कि तीन मीटर पे शीशा रखते हैं इसको उल्टा रखते हैं और तीन और तीन छः बन जाता है इस प्रकार से पेशेंट चार्ट को देख लेता है क्योंकि डेफिनेशन में चाहे वो ब्लाइंडनेस की डेफिनेशन हो चाहे वो लो विजन की डेफिनेशन हो चाहे पारसी शरीर डेफिनेशन हो उनमें विजुअल एक्यूटी का जिक्र होता है हालांकि ये काम ऑपथलमोल्स का है एफ का है लेकिन एक आम टीचर भी इसको अगर ठीक तरह से समझ सके या जो विद्यार्थी डिप्लोमा या बी कोर्स अभी पढ़ रहे हैं अभी कर रहे हैं अगर वो उसको सीख सकते हैं तो आगे चल अगर इस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं तो वो भी इसको आसानी से किसी बच्चे की या किसी व्यक्ति की दृष्टि क्षमता को जांच सकते हैं इसमें आमतौर पे सात लाइनें होती हैं जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ सबसे ऊपर की लाइन में सबसे बड़ा अक्षर होता है और उसके बाद की लाइनों में अक्षरों की संख्या छोटी हो अक्षरों की संख्या बढ़ती रहती है और जो आकार है वो छोटा होता रहता है जैसा आप चार्ट में देख रहे हैं सबसे ऊपर सब एक बड़ा अक्षर है और उसके बाद अक्षरों की संख्या ज्यादा हो रही है एक के बाद दो हो गई है फिर यहाँ तीन हो रही है यहाँ चार हो रही है और उनका आकार जो है वो घट रहा है इसमें सात लाइनें हैं एक बात और इसमें देखने लायक यह है कि हर एक अक्षर के सामने एक अंक लिखा हुआ है जैसे कि इसके साथ लिखा हुआ है साठ इसके नीचे लिखा है छत्तीस यहाँ चौबीस अठारह बारह नौ और ये जो है दूरियां हैं ये 6 का मतलब 6 मीटर्स है नौ का मतलब नौ मीटर बारह मीटर 18 मीटर चौबीस छत्तीस साठ ये मीटर्स है आजकल हमारे देश में आमतौर पे इसी चार्ट का प्रयोग होता है और इससे पहले जो चार्ट हम प्रयोग करते थे वो फीट में होता था यानी कि छः की जगह बीस लिखा होता था और सबसे ऊपर साठ की जगह दो सौ लिखा होता था मतलब एक ही है साठ मीटर बराबर दो सौ फीट हो जाता है और छ मीटर जो है बराबर बीस फीट हो जाता है इसको दृष्टि क्षमता नापते हैं इसके कुछ कंडीशन होती हैं कुछ फैक्टर्स हैं जो हमें कंट्रोल करने पड़ते हैं सबसे पहले जो है व्यक्ति को इस चार से छः मीटर की दूरी पर बिठाया जाता है आपको ये समझना इससे जरूरी है ताकि आगे चलकर कई जगह जिक्र होता है छः बटे अठारह छः बटे चौबीस इसका मायने क्या है इसका अर्थ क्या है कोई मेडिकल रिपोर्ट हाथ में आती है किसी की विजुअल स्टेटस आपके हाथ में आता है रिपोर्ट आती है तो वो आपको समझने में आसानी हो सकती है तो पेशेंट को छः मीटर पर बैठा जाता है और सबसे नीचे के जो अक्षर हैं सबसे नीचे वाली पंक्ति के जो अक्षर हैं उनको पढ़ने के लिए कहा जाता है छ मीटर पर पे पेशेंट बैठता है और इन अक्षरों को ये जो आखिरी में आप देख रहे हैं इनको पढ़ने के लिए कहा जाता है अगर व्यक्ति या पेशेंट इन अक्षरों को पढ़ लेता है तो उसकी दृष्टि छः बटे छः लिखी जाती है आपने आमतौर पर देखा होगा रोजगार समाचारों में या जितने भी हमारे नेशनल न्यूज़पेपर्स हैं या हिंदी के जो पेपर्स निकलते हैं उनमें कई वैकेंसीज निकलती हैं उदाहरण के लिए आपने डॉक्टर बनना है इंजीनियर बनना है पायलट बनना है तो वहां पर दृष्टि जो है छे बटे छे मांगी जाती है इसको सामान्य दृष्टि कहते हैं अगर व्यक्ति इनको पढ़ ले इन अक्षरों को पढ़ लेता है तो उसकी दृष्टि छे बटे छे लिख जाती है लेकिन अगर व्यक्ति इन अक्षरों को नहीं पढ़ पाता है तो हम उसको छे मीटर पर ही बैठे रहने देते हैं और इससे ऊपर की पंक्ति जो है जिसमें जो और ये थोड़े अक्षरों का आकार थोड़ा बड़ा हो जाता है इनको पढ़ने के लिए कहा जाता है एक बात ध्यान देने वाली यह है कि अक्षरों का आकार छोटा है तो छह मीटर से व्यक्ति पढ़ लेता है और अक्षरों का आकार बढ़ रहा है तो दूरी भी बढ़ रही है इसका मतलब यह है कि सामान्य व्यक्ति को छह मीटर से ये अक्षर पढ़ने चाहिए सबसे आखिरी पंक्ति के या कहिए कि साठ मीटर से सबसे ऊपर वाला अक्षर पढ़ लेना चाहिए मैथमेटिक्स में कहते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन वही बात यहाँ लागू होती है चाहे तो आप साठ मीटर से इसको पढ़वा सकते हैं या फिर छह मीटर से इनको पढ़वा सकते हैं बच्चों की टेस्टिंग हम छ मीटर से करते हैं और एक आंख की टेस्टिंग पहले करते हैं पहले लेफ्ट की कर लें फिर राइट की कर लें और फिर दोनों आंख से खोलकर टेस्टिंग की जाती है तो मैं लौट के आता हूं अगर व्यक्ति इन अक्षरों को नहीं पढ़ पाता है तो हम उससे ऊपर की पंक्ति के अक्षरों को पढ़ने के लिए पेशेंट से कहते हैं अगर पेशेंट इन अक्षरों को पढ़ लेता है तो उसकी दृष्टि क्षमता छह बटे नौ कही जाती है यानी कि वो व्यक्ति उन अक्षरों को छः मीटर से पढ़ रहा है जिसको कि एक व्यक्ति जिसकी दृष्टि सामान्य है उसको नौ मीटर से पढ़ना चाहिए था अगर व्यक्ति इन अक्षरों को भी नहीं पढ़ पाता है तो इससे ऊपर की वाली जो अक्षर है उनको पढ़ने के लिए कहा जाता है इस तरह से हम ऊपर चलते हैं अगर व्यक्ति छह मीटर से भी सबसे ऊपर के अक्षर को नहीं पढ़ पाता है जो कि एक व्यक्ति को साठ मीटर से पढ़ लेना चाहिए था तो उसकी दृष्टि छ बटे साठ लिखी जाती है अगर व्यक्ति इसको छ मीटर से पढ़ता है तो छटे साठ उसकी दृष्टि क्षमता लिखी जाती है अगर व्यक्ति इसको भी नहीं पढ़ पाता है तब इस चार्ट का और जो व्यक्ति की दूरी है उसको हम घटाते हैं यानी कि पहले व्यक्ति छह मीटर पर बैठा था अब उसको हम पांच मीटर पर लेके आ जाते हैं पांच मीटर पर बैठा हम ये सारी प्रक्रिया दोबारा नहीं करवाते हैं सिर्फ वही अक्षर पढ़वाते हैं जो कि वो आखिरी बार छह मीटर से नहीं पढ़ पाया था अगर वो पाँच मीटर पर से इस अक्षर को पढ़ लेता है तो उसकी दृष्टि पाँच बटे साठ लिखी जाती है अगर नहीं पढ़ पाता है तो उसको एक मीटर और आगे ले आते हैं यानी कि चार मीटर पर चार मीटर से यही अक्षर दोहराते हैं पढ़वाते हैं पढ़ लेता है तो चार बटे साठ लिखी आती है करते करते अगर व्यक्ति नहीं पढ़ पाता है तो वो हम उसको एक मीटर तक पास ले आते हैं यानी कि चार्ट से एक मीटर दूर व्यक्ति बैठा हुआ है और सबसे ऊपर का अक्षर उसे हम पढ़ने के लिए कह रहे हैं अगर एक मीटर से पढ़ता है तो उसकी दृष्टि एक बटे साठ कह जाती है अगर एक मीटर से भी नहीं पढ़ पाता है तब इस चार्ट का उस व्यक्ति के लिए कोई मायने नहीं है उसके बाद हम उसको फिंगर काउंटिंग करवाते हैं उंगलें गिनवाते हैं फीट में दूरी आ जाती है क्योंकि एक मीटर से इतना बड़ा अक्षर नहीं पढ़ पाया व्यक्ति तो उंगलियाँ गिनवाते हैं और उसका दूरी नाप लेते हैं उसको लिखा जाता है इस प्रकार से फिंगर काउंटिंग एट सच एंड सच डिस्टेंस यानी कि एक फीट डेढ़ फीट दो फीट मैक्सिमम अगर उंगली भी नहीं गिन पाता है तो व्यक्ति के आंख के आगे बिना बताए हाथ हिलाते हैं जिसको हम बोलते हैं हैंड मूवमेंट्स अगर व्यक्ति यह बता पाता है ये बताना इसलिए बहुत जरूरी है कि कई बार ऐसे व्यक्ति भी मिलते हैं जिनको दृष्टिहीन करार दिया जाता है दृष्टिहीन बोलते बोल देते हैं लेकिन उस व्यक्ति के पास इतनी दृष्टि होती है जिसे शेष दृष्टि होती है कि वो आपके सामने वाले व्यक्ति अपने सामने वाले बैठे व्यक्ति का चेहरा भी देख सकता है उसको उठते हुए बैठते हुए हिलते हुए भी देख सकता है और लो विजन क्षेत्र में थोड़ी से थोड़ी दृष्टि भी अगर व्यक्ति के पास है तो उसको किस प्रकार से उसका प्रयोग उसको करना हम सिखाते हैं बड़े मायने रखती है तो अगर व्यक्ति के आगे हम हाथ हिलाते हैं वो हाथ हिलता हुआ देख लेता है तो उसकी दृष्टि हैंड मूवमेंट्स लिखी जाती है अगर व्यक्ति को हलता हुआ हाथ भी नहीं दिखाई देता है तो फिर एक टॉर्च उसकी आंख में रोशनी फेंकते हैं टॉर्च से और विभिन्न दिशाओं में सर्कल्स में डायगनल्स में वर्टिकली कह लो हॉर्जेंटली कह लो प्रकाश उसकी आंखों में डालते हैं और उम्मीद करते हैं कि व्यक्ति से पूछते हैं कि वह बताए कि प्रकाश किस तरफ से आ रहा है जिसको कि हमारे एक टर्म दिया गया ऐसे बोलते हैं लाइट परसेप्शन हम कह हम करते हैं लाइट प्रोजेक्शन और व्यक्ति करता है लाइट परसेप्शन लाइट परसेप्शन मतलब उसको रोशनी का आभास है परसेप्शन का मतलब यहाँ पर यह है कि जो रोशनी उसकी आँखों में पड़ रही है वो रोशनी वो जो देख पा रहा है उसका दिमाग उसको बता रहा है कि भाई आपको ये रोशनी दिखाई दे रही है That means a person can perceive some light. And the person has to tell from which direction to which direction. Of course, of course, that we can ask him, so him, him or her. Okay. Can you tell me? This is just to वो झूठ या वेग आंसर ना दे रहा हो कि हम उसको दिखाई दे रही है तो उसको जानने के लिए स्पष्ट करने के लिए हम पूछ भी सकते हैं कि दिशा आप बताएं किस तरफ से रोशनी आ रही है okay. तो नॉर्मली कई कई लोगों को जो दृष्टिहीन वाली कैटेगरी में आते हैं उनको भी लाइट परसेप्शन होता है और हैंड मूवमेंट्स जो आपने हमें बताया इसके लिए भी कुछ डिस्टेंस मेंटेन रखना होता है हैंड uh, मूवमेंट्स के लिए क्या है कि हम उसको व्यक्ति को बिना बताए उसकी आंख के आगे हाथ हिलाते हैं नजदीक आंख के okay. इतना दो इंच तीन इंच कह सकते हैं आप इतने इतने पास की, इतने पास की नहीं कि उसको एहसास हवा से पता लग जाए हाथ हुँ. हिले तो हवा से पता लग जाए कुछ हिला है और धीरे धीरे हिलाते हैं और बिना बताया करते हैं okay. और सिर्फ उसकी आंखों को ऑब्जर्व करते हैं कि अगर वो देखेगा तो उसकी आंखें भी उसके साथ साथ हिलेंगी

और 20 बाई टू एक ही मतलब है सिक्स बाई सिक्सटी मीटर्स में बोलते हैं और 20 बाई टू फीट में बोलते हैं तो छः बाय साठ से उसकी दृष्टि क्षमता ज्यादा नहीं होती है इन द बेटर आई इवन आफ्टर बेस्ट पॉसिबल करेक्शन अब बेस्ट पॉसिबल करेक्शन का मतलब होता है जैसे मान लिया किसी कोई व्यक्ति कंप्लेन करता है कि उसको देखने में कठिनाई हो रही है तो उसका सबसे पहला हमारा फर्ज बनता है एज अ टीचर और एज अ पेरेंट और एज अ फ्रेंड और गाइड वट एवर इट इज सबसे पहला हमारा फर्ज बनता है कि हम उसको तुरंत एक आई डॉक्टर के पास अपथोलमोजिस्ट के पास रेफर करें देरी ना करें उसको तुरंत रेफर करें और अपथोलमोलिस्ट आगे उसकी आंख की जांच करने के बाद विद द हेल्प ऑफ रिफ्रैक्शनिस्ट उसकी आंख का रिफ्रैक्शन भी करवाते हैं रिफ्रैक्शन माने कि उसकी आंख की जांच होती है कुछ इसी तरह जैसे मैंने अभी आपको ये तरीका बताया था दृष्टि नापने का ऐसे एक चार्ट होता है एक ड्रम होता है उसके पास और छः मीटर बिठा कर उसको डिफरेंट लेंसे से ट्राई करते हैं तो जब रिफ्रेक्शन की आँख की जाँच करता है तो एक वो नोट डाउन कर लेता है कि उसकी दृष्टि क्षमता कितनी है और लेंस डालने के बाद लेंस के साथ उसकी दृष्टि क्षमता कितनी इम्प्रूव हो गई है कितनी अच्छी हो गई है उदाहरण के लिए पहले वो उसकी दृष्टि क्षमता मान लिया छः बटे चौबीस थी यानी कि वो मीटर बैठकर इन अक्षरों को पढ़ रहा था जो कि एक आम आदमी को जिसकी दृष्टि सामान्य उसको 24 मीटर से पढ़ लेना चाहिए था तो उसकी दृष्टि क्षमता 24 पहले थी और बाद में विद हेल्प सम स्पेक्टिकल्स ग्लासेस उसकी दृष्टि क्षमता बढ़कर 6 बटे बारह हो जाती है तो 6 बटे बारह निश्चित रूप से एक अच्छी दृष्टि क्षमता है okay.

उसके बाद इसमें तीसरी एक कंडीशन लिखी है लिमिटेशन ऑफ द फील्ड ऑफ विजन लिमिटेशन ऑफ़ द फील्ड ऑफ विजन सब्टेंडिंग एन एंगल ऑफ ट्वेंटी डिग्रीज ऑफ वर्स इसमें हमें बताना चाहूंगा कि दृष्टि क्षमता के साथ साथ एक और टर्म है विजुअल फील्ड जो बिल्कुल साथ साथ चलती है विजुअल फील्ड से मतलब होता है हम व्यक्ति के सामने का जब सामने खड़ा है उसके सामने उसको जितना दिखाई एरिया दिखाई दे रहा है उसे विजुअल फील्ड कहते हैं एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ और मैं सामने देख रहा हूँ तो सामने देखते हुए मुझे अपने लेफ्ट और राइट का भी मालूम चलता है मेरे राइट का हाथ अगर हिलता है तो मुझे सामने देखते हुए भी हिलता हुआ दिखाई दे रहा है ऑफ़ कोर्स ये मेरी सेंट्रल विजन है जिसका हम मैं और आप सभी हमेशा प्रयोग करते हैं हम चाहे लिखने की बात करें चाहे पढ़ने की बात करें चाहे एक दूसरे से बातचीत करें तो हम हमेशा एक दूसरे से बात करते हुए कोई भी कार्य करते हुए हम अपने सेंट्रल विजन का ही प्रयोग करते हैं ऐसा तो नहीं है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ और देख ही रहा हूँ दैट इज़ सम डिफरेंट कंडीशन ऐसी कंडीशन भी होती है ऐसे लोग भी होते हैं लो में जो जो कि आपसे बात कर रहे होंगे आपको ऐसा लगेगा कि बात तो मुझसे कर रहा है पर देख किसी और तरफ रहा है दैट इज़ अ डिफरेंट कंडीशन आमतौर पर हम हमेशा अपने सेंट्रल विजन का प्रयोग करते हैं और लेकिन वी डू हैव दिस विज़न ऑल्सो विच वी कॉल एज साइड विजन और पेरिफ़ेरल विजन एट विज़न अब तौर पे हम बात करें तो ये हमारा दृष्टि क्षेत्र है जिसे हम बोलते हैं विजल फील्ड या दृष्टि क्षेत्र ये 180 डिग्री का हम मान के चलते हैं क्योंकि आगे की बात हो रही है हमारे सामने ये क्षेत्र है तो ये एक डिग्री का होता है कई कारणों से इसमें भी कई लॉसेस हो सकते हैं लॉसेस कई प्रकार हो सकते हैं बीसें लॉसेस हो सकते हैं मैं सिर्फ यहां पर तीन या चार का ही जिक्र करना चाहूंगा जो मेन लॉसेस हैं क्योंकि उन्हीं के अंदर जो है बाकी लॉसेस भी कहीं ना कहीं समा जाते हैं फॉर एग्जाम्पल किसी के पास सेंट्रल विजन लॉस हो सकता है सेंट्रल विजन लॉस से मतलब यह है कि व्यक्ति जिस चीज को देखना चाह रहा है उसी को नहीं देख सकता है पढ़ना चाहेगा तो वो पढ़ नहीं पाएगा उसको अपने साइड की विजन पर निर्भर होना पड़ जाता है तो अभी मैं कुछ देर पहले जिक्र आपसे कर रहा था कि व्यक्ति आपसे बात तो कर रहा है पर आपको ऐसा लग रहा है कि व्यक्ति मुझसे बात कर रहा है लेकिन देख किसी और तरफ रहा है हालांकि वो देख आपको रहा है बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ दैट साइड विजन वट वी ही इज ट्राइंग टू एडजस्ट और ब्रिंग दैट विजन टू देंटर तो एक कंडीशन ये भी होती है तो uh, विजुअल फील्ड में जब लॉस की बात कर रहे थे तो मैं जिक्र कर रहा था सेंट्रल फील्ड लॉस का ये आँख की कई सारी हमारे कॉजेज होती हैं बीमारियाँ होती हैं जिस कारण से ये लॉस हो सकता है फॉर एग्जाम्पल एक कंडीशन है रेटिनाइटिस पेमेंट हो जाँ की बीमारी होती है जिस जो अभी तक लाइलाज है इसका इलाज अभी तक मेरे ख्याल से नहीं हो पा रहा है तो उसमें क्या होता है कि विजन साइड से कम होनी शुरू हो जाती है व्यक्ति को पहले सब दिखाई दे रहा था धीरे धीरे इतना दिखाई देता है साइड का चीज़ नहीं दिखाई देती है कई बार वो साइड से टकरा भी जाता है अगर चल रहा है लड़का है लड़की है स्कूल जा रहा है बाजार जा रहे हैं चल रहा है साइड में कोई चीज़ प्रोट्रूट कर रही है कोई पेड़ की शाखा है या कोई और चीज़ दीवार आ रही है कुछ ऐसे ऐज आ रहा है तो कई बार वो टकराने में लग जाता है तो उसको महसूस होता है कि मेरे साइड में जो है क्षति हो रही है ये क्षति धीरे धीरे बढ़ती रहती है और एक समय ऐसा आता है कि बिल्कुल सेंटर में ऐसे एक गोले के रूप में आ जाती है जब जा व्यक्ति को सिर्फ इतना दिखाई देगा कुछ इस तरह जैसे कि इसको नाम दिया गया है आ, पाइप विजन बोलते हैं पाइप विजन से नाम दिया गया है जैसे कि पाइप गोल होता है उसकी बीच अगर हम देखें तो जितना दिखाई देगा जितना उसका डायमीटर होगा व्यक्ति को उस व्यक्ति को जो कि सेंट्रल फील्ड लॉस से ग्रसित है उसको उतना ही दिखाई दे सकता है तो इसके बाद हम चलेंगे आ, मैं एक छोटी चाहूंगा ये पेरीफे फील्ड लॉस बोलना चाहूंगा सॉरी मैं सेंट्रल फील्ड उसका है लेकिन साइड का चले गया है तो उसको बीच का नहीं दिखाई देगा आ, और वो मैं इसको इस तरह से कह सकता हूं कि दो कंडीशन हम साथ लेके चले एक में सेंट्रल लॉस हो जाता है ए, एक में पेरी लॉस हो जाता है, है। जिसमें व्यक्ति को सेंटर का दिखाई दे रहा है सिर्फ तो उसको पाइप विजन वही बोलते हैं या की होल विजन बोलते हैं या रोल्ड अप न्यूज़ पेपर विजन बोलते हैं उसको व्यक्ति को सिर्फ बीच का दिखाई देगा ऐसे बच्चों को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी उसको सिर्फ बीच का दिखाई दे रहा है लेकिन साइड का नहीं दिखाई दे रहा है फिर आगे चल कर जब हम उसका असेसमेंट करते हैं तब ये देखना जरूरी हो जाता है कि उस व्यक्ति को कोई मैग्नीफायर देना उचित रहेगा या नहीं उस व्यक्ति को दिखाई सही दे रहा है वो पहचान सकता है व्यक्ति को उसके फेशियल एक्सप्रेशन को भी देख सकता है पढ़ भी सकता है लिख भी सकता है लेकिन साइड का विजन नहीं है दूसरा लॉस इसका विपरीत है जिसमें कि Uh, पहले बीच का दिखाई दे रहा था अब साइड का दिखाई दे रहा है बीच का नहीं दिखाई दे रहा है <coughs> बीच का नहीं दिखाई देता है तब व्यक्ति साइड के विजन को बीच में लाने कोशिश करता है okay. so, से ऐसा okay. <coughs> so, well uh, exactly, नहीं उसको सकते हैं बट बोथ थिंग्स गो टूगेदर वी कैनोट डिफाइन Uh, कि उसको सेंट्रल विजन लॉस था तभी वो ब्लाइंड हुआ है या पेरिफेरल फील्ड लॉस था तभी ब्लाइंड uh, हुआ है विजुअल एक्विटी भी कम है और साथ साथ उसकी दृष्टि क्षेत्र में भी क्षति हो सकती है तो दोनों साथ साथ चलेंगे यहाँ पर लिखा है ट्वेंटी डिग्री और वर्ष एक सौ अस्सी डिग्री से होते होते उसका जो कोण uh, है जो दृष्टि क्षेत्र है वो सिर्फ इतना संकुचित रह गया है बीस डिग्री तक का इतना उसको विजुअल फील्ड दिखाई दे रहा है okay. तो अगर ये कंडीशन है इनमें कहीं वो फॉल कर रहा है तो उसको ही कम्स इन द कैटेगरी ऑफ प्लेननेस ओके इट हैज टू बी ऑल दीस कंडीशंस और एनी ऑफ दीस कंडीशंस नेमली ये सभी साथ में जुड़ के हो जाती हैं ओके okay. ऐसा बहुत कम रेयर चांस होता है कि दृष्टि क्षमता भी कम हो mm -hmm. और उसका दृष्टि क्षेत्र बहुत बढ़िया हो रेयर होता है बोथ थिंग्स गो Simultaneously, simultaneously. साथ हैं। तो ब्लाइंडनेस हम तब कहते हैं, जब विजुअल टी डिग्री या उससे कम ट्वेंटी या उससे कम हो तो so, ये डेफिनेशन हो गई हमारी ब्लाइंडनेस की इसके बाद में आपको बताना चाहता था विजुअल ये जो हम बात कर रहे थे ये ब्लाइंडनेस की डेफिनेशन मैंने आपको बताई है जी. अब लो विजन की डेफिनेशन में जाने से पहले मेरे बीच में दो कैटेगरीज और छूट गई थी विजुअल फील्ड की एक थी सेंट्रल फील्ड लॉस और एक थी पेरिफेरल फील्ड लॉस तीसरा एक लॉस होता है जिसको बोलते हैं हम इरेगुलर फील्ड लॉस इसको एक और नाम से भी बोलते हैं पैची फील्ड लॉस यानी कि व्यक्ति के दृष्टि क्षेत्र में कहीं कहीं पर पैचेज हैं कहीं कहीं उसको दिखाई देता है और कहीं कहीं पर साफ नहीं दिखाई देता है जिसको एक और नाम देते हैं पैची फील्ड लॉस मींस लॉस इन जिसको बोलते हैं फील्ड लॉस इन वन हाफ ऑफ आई व्यक्ति के साथ ऐसा भी हो सकता है व्यक्ति का ऊपर का जो हिस्सा है अपर हाफ है उसमें लॉस है और लोअर हाफ में लॉस नहीं है या व्यक्ति के लेफ्ट हाफ में लॉस है और राइट हाफ में लॉस नहीं है तो उसमें क्या होता है कि दोनों में सासा चलता है। तो हेमिनोपिया बोल देते हैं लेफ्ट हेमिनोपिया राइट हेमिनोपिया अपर हेमिनोपिया और लोअर हेमिनोपिया इस प्रकार से ये लॉसेज चलते हैं तो लॉसेज जो बता रहा हूं मैं फील्ड के कई सारे हैं लेकिन इन चार कैटेगरीज मेन में ये फॉल करते हैं तो ये,

Uh, इससे पहले कि हम लो विज़न की डेफिनेशन पे जाएं मैं आपको एक बार समराइज़ uh, करना चाहती हूँ कि हम बात कर चुके हैं डेफिनेशंस की कुछ डेफिनेशंस कुछ टर्म्स सर ने हमें बताई कि पहले हम यूज़ करते थे पार्शियली ब्लाइंड लेकिन वो टर्म अब यूज़ नहीं करते हैं और उसके बाद यूज़ करने लग हम पार्शली साइटेड लेकिन अब जो टर्म यूज़ होती है वो लो विजन होती है उसकी डेफिनेशन अभी हम देखेंगे उससे uh, पहले हम uh, हमें सर ने बताया कि ब्लाइंडनेस की डेफिनेशन क्या है ब्लाइंडनेस में हम क्या क्या चेक करते हैं और कुछ टर्म्स बताई हैं विजुअल इक्विटी विजुअल फील्ड दैन और uh, सर ने बताया हेमी एनोपिया क्या होता है हमें अभी दैन uh, कुछ डिफेक्ट्स जैसे कि सेंट्रल फील्ड विजन लॉस पेडिफ्रल फील्ड विजन लॉस और पैची फील्ड विजन लॉस ये कुछ टर्म्स बताई हैं अगर आपको कुछ डाउट है इसमें आपको समझ में नहीं आया तो आप हमें पूछ सकते हैं आप हमें फ़ोन कर सकते हैं हमारा फोन नंबर है टू सिक्स फाइव डबल वन सिक्स डबल वन और टू सिक्स फाइव डबल वन सिक्स वन थ्री आप हमें फैक्स भी कर सकते हैं हमारा फैक्स नंबर है टू सिक्स फाइव डबल वन सिक्स जीरो नाइन अब हम चलते हैं डेफिनेशन ऑफ लो विजन देखें कि लो विजन से किस तरह से डिफरेंट है आइए uh, मैं पहले बताना चाहूंगा डेफिनेशन एज पर दी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन चलती आ रही है इसके अनुसार जो डेफिनेशन लो विजन की है इट सेज पर्सन विद लो विजन इज वन हैज इम्पेयरमेंट ऑफ विजुअल फंक्शनिंग

उसके व्यक्ति का जो रिफेक्टिव करेक्शन के बाद भी एंड एज ए विजुअलिटी ऑफ लेस देन बाई एटीन टू लाइट परसेप्शन अब डब्ल्यू एच ओ जो है नॉर्मल विजन मानता है अप okay. वो उसको नॉर्मल विजन मानता है बट वी कैनोट टेक फॉर ग्रांटेड सिक्स बाय एटीन एज नॉर्मल प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पज इज ऑल्सो जैसे कई बार टर्म्स आती हैं एजुकेशनली ब्लाइंड तो देर वी हैव टू सी whether person has normal vision or he has some visual impairment. Okay. So 6 by 18 से ऊपर जो है अगर loss शुरू हो जाता है, then the person has low vision. अब इसमें भी हमारी तीन चार categories आती हैं कि कौन कौन सी categories में low vision है. उसमें mild वाली बात आती है, moderate, severe, profound करके हम तीन चार categories to make it more understandable. मैं आपको समझा सकता हूँ और जो विजुअल फील्ड की बात है वो टेन डिग्रीज तक बात की कही गई है बट ही हैज सम गुड विजन बट ही हैज सम विजन विच ही कैन यूज फॉर द प्लानिंग और डूइंग सम एनी टाइप ऑफ एक्टिविटी सो दिस इज द डेफिनेशन एज पर डब्ल्यू एच ओ एज विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जो डेफिनेशन है परिभाषा है वो यह है और जो पी डब्ल्यू डी एक्ट जो हमारा देश में लागू हुआ है नाइनटीन नाइन्टी फाइव में उसके अनुसार पर्सन विद लो विजन मीन्स अ पर्सन विद इम्पेयरमेंट ऑफ विजुअल फंक्शनिंग इवन आफ्टर ट्रीटमेंट और स्टैंडर्ड इफेक्टिव करेक्शन बट और इज पोटेंशियली केपेबल ऑफ यूजिंग विजन फॉर द प्लानिंग और एग्जीक्यूशन ऑफ अ टास्क विद अप्रोप्रिएट असिस्टिव डिवाइस अब इन दो डेफिनेशन में अगर हम गौर करें तो जो डेफिनेशन पीडब्ल्यू डी एक्ट के अनुसार है उसमें कहीं पर भी दृष्टि क्षमता की बात जिक्र नहीं हुआ है ना ही कोई दृष्टि क्षेत्र का जिक्र हुआ है और दूसरी तरफ एज पर दी डब्ल्यू डी एक्ट एज पर सॉरी एज पर दी एच ओ नाइनटीन नाइनटी टू उसमें विजुअल एक्यूटी यानी कि दृष्टि क्षमता और दृष्टि क्षेत्र दोनों की बात कही जा रही है एक बेसिक डिफरेंस है दोनों डेफिनेशन में पर अगर हम घूम कर आए तो दोनों का अर्थ लगभग एक ही है पी एक्ट में भी यही कहा गया है कि उसको व्यक्ति को इम्पेयरमेंट है विजन फंक्शनिंग में प्रॉब्लम है और आफ्टर द बेस्ट स्टैंडर्ड रिफेक्टिव करेक्शन के बाद भी उसकी दृष्टि इतनी बची है कि वो उस दृष्टि का प्रयोग जिसे बोलते हैं हम रिमेनिंग विजन शेष दृष्टि रिमेनिंग विजन ये एक टर्म और कई किताबों में जिक्र होता है इसको बोलते हैं रेजिडुअल विजन का भी कहीं कहीं प्रयोग होता है तो उसका प्रयोग वह किसी कार्य को करने के लिए पहले प्लानिंग करने के लिए उसको पूरा क्रियान्वित करने के लिए उस, उस दृष्टि का वो प्रयोग कर सकता है तो दोनों डेफिनेशन का अपना यहाँ जिक्र हुआ है अर्थ दोनों का लगभग एक ही है सिर्फ डिफरेंस बेसिक डिफरेंस यही है जो मैंने पहले बताया कि डब्ल्यू एच ओ ने जिक्र किया है दृष्टि क्षमता का और दृष्टि क्षेत्र का जबकि पीरियड एक्ट में ऐसा कुछ जिक्र नहीं आया है तो आ, आ... basically we have to look for the visual acuity and visual field both whenever we are describing whether a person is blind or low visioned ye bahut zaroori terms hain kyunki we should not go by definitions basically right. what i personally feel jo mera तो experience hai itne kuch saalon ka in bachcho ke sath jaisa aapne shuru mein bataya nivh dera dur mein jab mera experience tha so तो i was working purely for children with low vision okay तो जब हम इन बच्चों के लिए काम करते हैं आई वुड डेफिनेटली टॉक अबाउट अबाउट प्योरली द एजुकेशन ऑफ वुकेशन चिल्ड्रन सिर्फ शिक्षा की बाद में करना इतना पहले फेज में तो इन बच्चों की जब हम कोई एजुकेशन प्रोग्राम बनाते हैं तो उसके लिए एक टीचर को ये जानना बहुत जरूरी है उसके हाथ में एक ये जानकारी होनी बहुत जरूरी है कि उस बच्चे की दृष्टि क्षमता है कितनी जी। उसका मतलब उसको कितना दिखाई दे रहा है वो कितनी दूर से किसी व्यक्ति को देख सकता है या कितनी दूर से किसी व्यक्ति को पहचान सकता है जी। वो बहुत जरूरी उसके लिए जानना है साथ में उसको यह मालूम हो कि दृष्टि क्षेत्र में क्षति कितनी है जी। उसको बेसिक प्रॉब्लम क्या है उसके साथ साथ उसको कलर डिफेक्ट तो कोई नहीं है ये सब चीज जानना बहुत जरूरी इसलिए है ताकि इन्हीं के बल पर इन्हीं के भरोसे पर इन्हीं को जानकारी को इकट्ठा करते हुए वो आगे उसके लिए कोई कार्यक्रम शैक्षिक कार्यक्रम निर्धारित कर पाएगा जी। इनके बिना कोई प्रोग्राम बनाना टीचर के लिए बड़ा कठिन है mm -hmm. वो वो बात आ जाएगी जस्ट बीटिंग अबाउट द बुश वो उस पर काम नहीं करना चाहिए बिकॉज एवरी चाइल्ड हैज अ डिफरेंट प्रॉब्लम मैं यहां पर एक बात और कहना चाहूंगा फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन मेरे पास तीन बच्चे हैं जो ब्लाइंड हैं और तीन बच्चे हैं जो लो विजन है इनको इनके लिए प्रोग्राम क्या है ब्लाइंड है दे कैनॉट सी एग्जाम्पल दे डो नॉट इवन हैसेप्शन इनके लिए क्या है कि हम सिर्फ अगर फॉर फॉर एग्जाम्पल हमने कोई कार्यक्रम बनाना है तो देव टू रीड ब्रेल इनको ब्रेल लिपी सीखनी पड़ेगी दे कैनोट रीड प्रिंट मोबिलिटी के स्किल्स सिखाने पड़ेंगे चलने फिरने के लिए मैथमेटिकल एड्स जैसे बेकरस टेलर फ्रेम जोमेट्री किट ये सब सीखना पड़ेगा बट इन द केस ऑफ लो विजन यहां पर थिंग्स डिफरेंट हो जाते हैं अब देखना पड़ेगा किस बच्चे के पास कितनी दृष्टि है और मेन बात यह कि वो दृष्टि आगे चलकर कितनी टिक पाएगी जी। टिकने से मेरा मतलब है वेदर इट विल टिकट और वेदर इट विल इंक्रीज जो बहुत कम चांसेस होते हैं कई बार और वेदर इट विल रिमेन स्टेबल राइट कई कंडीशन ऐसी होती हैं जिनमें आगे चलकर अगर हम रेगुलर पीरियोडिकल चेकअप ना कराएं तो होता क्या है कि आगे चलकर बच्चे की दृष्टि हम हमें पता नहीं कितनी है और हम उसके साथ काम करते रहते हैं लेकिन हमारे जो एक्टिविटीज़ है वो उनको फॉलो नहीं कर पा रहा है क्योंकि उस हो सकता है उसकी दृष्टि क्षमता कम हो गई हो okay. उसको ज़्यादा प्रकाश की जरूरत हो तो कई सारे इसमें चीज़ें होती हैं एंड एवरी लो विजन चाइल्ड इज अ डिफरेंट चाइल्ड एक लो विजन बच्चा है उसको इतना प्रकाश चाहिए दूसरा है उसको ज़्यादा चाहिए एक को पसंद है आर्टिफिशियल लाइट जैसे हम आप बैठे हैं हमारे चारों तरफ आर्टिफिशल लाइट है एक दूसरा बच्चा है जिसको कि नेचुरल लाइट ज़्यादा पसंद है सो वी कैनोट फोर्स ईच चाइल्ड To have the same सेम टेबल हैव द सेम अमाउंट ऑफ लाइट है सेम इक्विपमेंट्स फॉरिंग एंड रीडिंग So education program differs from child to child. और इसमें time consuming होता है और बड़ा ही धैर्य से काम करने, करने वाली बात होती है जी. Uh, हम जल्दबाजी में कोई काम नहीं कर सकते हैं बिकॉज अल्टीमेटली हम जल्दबाजी करते हैं और ट्राई uh, ट्राई ट्राई आउट्स करते रहते हैं तो हो सकता है वो बच्चों को आगे चलकर कर प्रॉब्लम्स क्रिएट करें सो असेसमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर यू स्टार्ट विद द ट्रीटमेंट ताकि आपको पता हो कि कितना विजन लॉस है और आगे जाके बच्चे पे किस पे हमें काम करना है वेदर वो डिटीरियोरेट होगा या हो सकता है उसमें इम्प्रूवमेंट भी हो या स्टेबल रहेगा ये हमें जानना बहुत जरूरी है तो ये लो विज़न की डेफिनेशन थी एक और चीज़ पूछना चाहूंगी सर हुज रेजिडल विजन विल बी कंसिडर एज लो विजन पर्सन Definitely he 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 will come in some the category. Okay. Main no matter a, how much, the how residual much he vision has, is. But he has. And ki ki uski jitne bhi hai hume koshish karni chahiye usko hum. Dekho उसकी जितनी पता है हमें पता है उसके पास दृष्टि कितनी है लेकिन बच्चे को ये नहीं पता होता है कि उस दृष्टि का वो प्रयोग किस प्रकार से कर सकता है एज अ टीचर और एज अ स्पेशल एजुकेटर और वट एवर इट इज हु विद चाइल्ड उसका एम ये होना चाहिए कि वो उस बच्चे की उस दृष्टि को हम उसे बढ़ा नहीं सकते हैं लेकिन उसको मैक्सिमम यूज करने के लिए प्रेरित कर, कर सकते हैं इंकरेज कर सकते हैं बच्चे को पता है उसके पास दृष्टि इतनी है लेकिन वो कई एक्टिविटीज नहीं करता था इग्नोर करता था लेकिन हम उन्हीं एक्टिविटीज को और फैक्टर्स को कंट्रोल करते हुए हम उसके वो एक्टिविटीज करवा सकते हैं सो दैट इज द मेन वर्क एम मेन एम ऑफ द टीचर शुड बी टू एनकरेज एंड मोटिवेट द चाइल्ड टू मेक जो टीचर्स विजुअल इम्पेयरमेंट में या लो विजन पे काम कर रहे हैं उनको ये जानना बहुत जरूरी है कि उस बच्चे में जिन बच्चों पर वो काम कर रहे हैं रेजिडल विजन कितना बाकी है बचा हुआ विजन कितना है और किस प्रकार से वो उसका मैक्सिमम यूज ले सकते हैं ये जानना बहुत जरूरी है और यही आपका रोल है कि उस विजन को आपने मैक्सिमली यूज करना है दिस इज वट ही ये मेन बात हम यहाँ पे बताना चाहते हैं कि रेजिडुअल विजन को जानना बहुत जरूरी है और किस प्रकार से आप उसे यूज उस कर सकते हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी है आपको जानना सो so, आगे क्या है सर हमारे पास आफ्टर uh, पास कुछ नेक्स्ट स्लाइड मेंज मैंने डाली है सबसे ऊपर जैसे सिक्स बाई सिक्स टू सिक्स बाई एटीन लिखा हुआ है अब सिक्स बाई है और सिक्स बाई एटीन क्या है मैं पहले बता चुका हूं एक बार मैं फिर रिपीट कर दू सिक्स का मतलब था कि छ मीटर से बच्चा या पेशेंट वही अक्षर पढ़ रहा था जो उसको जो कि एक व्यक्ति को जिसकी दृष्टि सामान्य है छ मीटर से पढ़ना चाहिए दैट ही गॉट द नॉर्मल विजन तो ये पहली कैटेगरी है सिक्स बाई सिक्स टू सिक्स बाई एटीन एज पर डब्ल्यू एच ओ इसको नॉर्मल कहा गया है मैंने कुछ देर पहले बताया था डब्ल्यू एच ओ करता है सिक्स बाई एटीन तक की विजन को एज नॉर्मल वर्किंग डेफिनेशन भी में नॉर्मल लिखा गया है हमारी डेफिनेशन भी उसको नॉर्मल कहा गया है इसका अगला जो स्लैब कहिए अगली कैटेगरी जो है वो है सिक्स बाई एटीन टू सिक्स बाई सिक्सटी आप लोग समझ गए हैं सिक्स बाई एटीन टू सिक्स बाई सिक्सटी का मतलब था कि व्यक्ति छः मीटर से वह अक्षर पढ़ रहा है जिसको उसको अट्ठारह मीटर से पढ़ने चाहिए थे वहां से लेकर ऊपर के चार्ट तक देखिए सिक्स बाई एटीन ये था कि छह मीटर पर बैठा है बच्चा और ये अक्षर पढ़ रहा है और छह मीटर पर बैठा है और ये अक्षर पढ़ रहा है तो ये जो बीच में आ गया है अट्ठारह के बाद चौबीस छत्तीस साठ ये जो कैटेगरी आती है इसको लिखा गया है एज लो विजन दैट मीन्स वी कैन से आफ्टर सिक्स बाई एटीन इफ अ पर्सन हैज विज इक्विटी बिलो सिक्स बाई एटीन बिलो से मेरा मतलब आगे चलकर कम होती जा रही है तो वो लो विजन की श्रेणी में आ गया okay, okay. यानी कि शीर्ण दृष्टि हिंदी में कहते हैं उस कैटेगरी में वो आ गया है इसकी अगली कैटेगरी है टू दैट इज हैल्सो ए कैटेगरी ऑफ लो विजन और जिसको कि सिवियर विजुअल इंपेयरमेंट कहा गया है और हमारे अगर हम जिक्र करें इंडियन डेफिनेशन के अनुसार पीडब्लू एक्ट की बात करें तो देखिए वो ब्लाइंड कैटेगरी में आ गया है okay. वो ब्लाइंड गया है mm -hmm. अब यहां देखने वाली बात यह है एक तरफ उसी कैटेगरी में वो व्यक्ति ब्लाइंड कैटेगरी में आ रहा है और उसी कैटेगरी में वो लो विजन भी आ रहा में डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है मैं आगे चलकर उसको मैं क्लियर करना चाहूंगा मैं सिर्फ पहले लो विजन कैटेगरी यहां पर क्लियर कर दू तीसरी कैटेगरी जो दिखाई है वो है थ्री बाई सिक्सटी टू वन बाई सिक्सटी एज पर डब्ल्यू एच ओ हीज टर्न ब्लाइंड और उसके हिसाब से वर्किंग डेफिनेशन हिसाब से वो लो विजन में आ रहा है लास्ट कैटेगरी है वन बाई सिक्सटी टू पी एल परसेप्शन ऑफ लाइट लाइट परसेप्शन अगेन टर्म एज ब्लाइंड एंड अगेन एज लो विजन लास्ट में लिखा गया है एनपीएल नो परसेप्शन ऑफ लाइट जिसको लाइट परसेप्शन भी नहीं है रोशनी का आभास भी नहीं है किधर से रोशनी आ रही है तो उसको लिखा गया है टोटल ब्लाइंडनेस ब्लाइंड और टोटल ब्लाइंडनेस

6 by 18 to 6 by 60 is the first category of low vision, which we can say as mild low vision. Okay. We can call it as mild low right. vision okay. to make it more clear. 6 by 60 to 3 by 60, again low vision, we can call it as moderate low vision. Third is 3 by 60 to 1 by 60, again low vision, we can call it as severe low vision. Right. Last one is 1 by 60 to

ज को बैन कर दिया है वी नॉट यूज वी शुड नॉट यूज आदर आई शुड से टर्म नाउ पार्शली साइटेड नाव गोट सिंगल टर्म एज लो विजन बड़ा कन्फ्यूजन हो गया है एक तरफ ग्रुप आयाता है कॉल्ड साइटेड। हम लोग साइटेड हैं। एक तरफ ग्रुप आयाता है ब्लाइंड ब्लाइंड और साइटेड इसके बीच में दो ग्रुप और आगे थे लो विजन एंड पार्श साइटेड पार्शली साइटेड और लो विजन में ये डिफरेंस था

टाइस और थ्राइस तो एक वर्ड एक ही टर्म लेके चल ले दैट इज लो विजन तो जो पार्शली साइटेड लोग थे या लोग हैं बच्चे आते हैं वो जो उनकी डेफिनेशन है दैट इज दे हैव विजुअल एक्यूटी बिटवीन सिक्स बाई सिक्सटी एंड थ्री बाई सिक्सटी विच ऑल्सो इज देयर इन दिस टेबल देखिए आप सिक्स बाई सिक्सटी टू थ्री बाई सिक्सटी जो सेकेंड कैटेगरी है दैट इज लो विजन सो वी कैन से दैट मॉडरेट लो विजन वाले जो बच्चे हैं वही वो हैं जो पार्शली साइटेड बच्चे हैं so that we, ha we have a common one term low vision. Okay. We can make it simple like this. Okay. We have got 4 categories now, 6 by 18 to 6 by 60, 6 by 60 to 3 by 60, 3 by 60 to 1 by 60, 1 by 60 to light perception. I hope it is simple now. Yes, very simple. I hope you have got it. I hope you have noted this, uh, these uh, values and Important point here uh, was that no, do not use the term partially sighted or partially blind. Now, we are using the term low vision, which is the latest term, which is common for everybody. I mean, we are not supposed to use partially sighted or partially blind, ok. We can use the term low vision and we can categorize it according to the values uh, on the table. And we can uh, say whether it's mild low vision, moderate low vision, severe or profound low vision. So low vision is an important term, and we are not using the term nowadays. Partially sighted or partially blind, right? Defe definitely, uh, we call them as uh, visual acuity ranges. Okay. Range of visual acuity. So based on visual acuity ranges, you can categorize the visual impairment, or you can uh, say whether the person is blind, low vision, or has normal vision. So, the, uh, I hope you have noted down the table and you you have understood what it is. If you have not, you can call us at 26511611 or 26511613. You can also fax us at 26511609. Let us see what he has for us uh, next. One thing more before the teachers or special educators try to attempt to write down the visual acuity of their students, there some For example, uh, the chart which I am holding. Uh, I hope the the viewers are must be uh, experiencing some glare I suppose if I just tilt it left or right if not glare should not be there first of all and the chart should be parallel to the eyes chart जो है व्यक्ति के आंख के समानांतर होना चाहिए ऐसा नहीं कि व्यक्ति बहुत लंबा है और चार्ट हमने नीचे रखा हुआ है या व्यक्ति की हाइट छोटी है और चार्ट ऊपर रखा हुआ है सपोज व्यक्ति को आप बिठाकर टेस्टिंग कर रहे हैं तो उसके आँख के पैरल चार्ट होना चाहिए इज लॉजिक बिहाइंड दैट कि जो हमारी आंख पर चित्र बनता है रेडना में चित्र बनता है वो सीधे में बनता है पैरेलल में इजीली बन जाता है okay. टेढ़े में इतना साफ नहीं बनता है आंख में पेन होता है डिस्टर्बेंस होती है तो बेटर है कि चार्ट जो है आँख के पैरल रहे और नंबर टू देर शुड बी एनअ लाइटिंग ऑन द चार्ट ये तो मैं एक सिर्फ कैरी कर पाया हूँ अपने साथ एक चार्ट लेकिन आमतौर पर क्लिनिक्स में डॉक्टर्स के पास या रिफ्रेश के पास एक विज़न ड्रम होता है आप में से कई लोगों ने देखा भी होगा एक विज़न ड्रम होता है जिसके चार फेसेस होते हैं अंदर बल्ब जल रहा होता है और चारों तरफ एक ना एक चार्ट होता है सपोज़ कोई व्यक्ति है उसे हिंदी नहीं आती है इंग्लिश आती है तो डॉक्टर जो है उसको घुमाकर इंग्लिश वाला जो चार्ट है उसकी तरफ कर देता है ताकि व्यक्ति इंग्लिश पढ़कर बता सके वी आर नॉट बेसिकली टेस्टिंग दी लैंग्वेज पार्ट ऑफ द पेशेंट हमें सिर्फ ये मालूम करना होता है कि व्यक्ति कितना देख पा रहा है दूरी से कितनी दूरी से कौन सा अक्षर आइडेंटिफाई कर पा रहा है तो उसके तरफ चार चार्ट्स बने होते हैं और उसमें बीच में अच्छा प्रकाश होता है तो उससे क्या होता है कि पेशेंट को दिखने में आसानी रहे बस ध्यान ये रहे कि इस पर कोई चमक ग्लेयर ना हो ये yeah. कंडीशंस हम फॉलो करते हैं जब भी टेस्टिंग करते हैं आई होप नाउ द स्पेशल एजुकेटर्स विल बी एबल टू डू दिस टेस्ट फॉर देयर स्टूडेंट्स आप खुद भी ये टेस्ट कर सकते हैं सर ने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताया है कि किस प्रकार से हम चेक कर सकते हैं किस प्रकार से हम इसे कैटेगराइज कर सकते हैं आप वैल्यू निकाल सकते हैं और आप देख सकते हैं कि जो आपका स्टूडेंट है वो लो विज़न कैटेगरी में आता है या ब्लाइंड है या नॉर्मल विजन है लो विजन में है तो वो कौन सी कैटेगरी है वो माइल्ड है मॉडरेट है सीवियर है या प्रोफाउंड है ये आप देख सकते हैं किस प्रकार से देखना है वो चार्ट से सर ने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया है इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर नोट करने वाली है कि जब आप टेस्टिंग कर रहे हैं चार्ट पर किसी भी प्रकार का ग्लेयर नहीं होना चाहिए लाइट सफिशियंट होनी चाहिए चार्ट पर और चार्ट आइज के पैरल होना चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ नोट करने वाली जब आप टेस्टिंग कर रहे हैं इन तीन बातों का ध्यान आपने खास रखना है कई बार क्या होता है कि चार्ट के ऊपर जब बाज़ार से चार्ट ख़रीद लेते हैं ये आठ रुपये दस रुपये का चार्ट आमतौर में मिल जाता है तो इसके ऊपर एक प्लास्टिक की शीट सी पन्नी सी लगी होती है उसको उतार देना चाहिए ताकि पन्नी से जो है प्लास्टिक के शीट से ग्लेयर ख़त्म हो जाए जी। उसको निकाल देना चाहिए इसके साथ में अपने साथ एक आपको मैं बताना चाहूँगा एक पिन होल मास्क का फंक्शन क्या होता है किस प्रकार से विजुअल एक्यूटी को बढ़ाने के लिए उसका हम प्रयोग किस प्रकार से एक टेस्ट कर सकते हैं मैं अपने आपके एक सैंपल दिखा देता हूँ इस प्रकार का एक ये हमारा पिनहोल मास्क होता है मेन बात है ये काले का, काले रंग का होना चाहिए लो विजन में अभी आगे चलकर जब हम असेसमेंट की बात करेंगे तो कलर कंसेप्ट कंट्रास्ट की बहुत विस्तृत हम बृहद बातचीत करेंगे उसका महत्व क्या है ये एक पिनहोल मास्क है जिसको कि जो कि प्लास्टिक में मिल बना बनाया मिल सकता है आप बना भी सकते हैं फिलहाल मैंने गत्ते एक कटआउट से बनाया है इससे बना सकते हैं स्टर्डी है जल्दी टूटता भी नहीं है काला रंग इसलिए किया है इस पर ताकि जो है लाइट जो है जब इसको यूज़ करते हैं तो बाहर की रिफ्लेक्शन ना पड़े आँख के पास लगाते हैं इसको इस प्रकार से यहाँ पर एक छेद मैंने किए हुए हैं दोनों आँखों के ठीक सामने छेद भी किए हुए हैं ये करीब एक मिलीमीटर थिक छेद होते हैं ये छेद किए हुए हैं और इसको यहाँ पर नाक में ऐसे फंसा कर ऐसे रखा जाता है पेशेंट के जिसको हम टेस्ट कर रहे हैं एम क्या है एम है विजुअल एक्यूटी को बढ़ाना दृष्टि क्षमता को बढ़ाना जैसे मैंने पहले जिक्र किया था जब हम दृष्टि क्षमता नापते हैं तो पहले एक आँख की टेस्टिंग करते हैं एक आंख को अपक्लूड बंद करते हैं फिर दूसरी आँख की टेस्टिंग करते हैं और पहली वाली आँख को अपक्लूड या बंद करते हैं फिर तो दोनों आंखों से टेस्टिंग करते हैं इसके बाद ये पिन होल मास्क का फंक्शन यह है कि हम पेशेंट को इसको देते हैं और कोशिश करते हैं पेशेंट को बोलने के लिए कि इसकी दोनों मेरी दोनों आंखों के आगे इसमें छोटे छोटे मैंने छेद किए हुए हैं बताया मैंने एक मिलीमीटर थी पेशेंट को कोशिश करते हैं इनक्रेज करते हैं कि इन छेदों में से किसी एक छेद से वो अपना चार्ट को देखने की प्रयत्न करे कोशिश करे दृष्टि बनाए रखे तो इसका मेन फंक्शन है कि जो बाहर से चमक है अधिक प्रकाश है जो कि व्यक्ति को तंग कर रहा है वो कट हो जाते हैं हट जाते हैं और व्यक्ति की दृष्टि अधिक महसूस होती है भर सकती है फॉर एग्जाम्पल इसके बिना उसकी दृष्टि क्षमता छः बटे चौबीस थी पहले इसको लगाने के बाद हो सकता है इसके बिना वो ये अक्षर पढ़ पार पा रहा था छः मीटर से जो कि चौबीस मीटर से पढ़ने चाहिए थे हो सकता है इसको लगाने के बाद वो ये अक्षर पढ़ पाए जो कि 12 मीटर से पढ़ने चाहिए थे बैठा 6 मीटर पर ही है पर उसका इतना फायदा हुआ है उसकी दृष्टि क्षमता बढ़ गई है ये इसलिए जरूरी है अब हमें करना क्या है अगर ऐसा महसूस होता है ऐसा पता लगता है दैट मीन्स दिजुअल एक्विटी ऑफ द पर्सन कैन बी इम्प्रूव विद द हेल्प ऑफ स्पेक्टिकल्स ओके एंड ही शुड बी अगेन रेफर्ड इमीडिएटली टू अ जिस्ट और आई फ्रिक जो कि उसको सही दे ताकि उसको अच्छा और दिखाई दे सके उसकी दृष्टि क्षमता so, uh, be okay, तो के दौरान भी सकता है और आपने इसका नाम बताया पिन होल पिन होल मास्क मास्क सिर्फ को बढ़ाने के लिए हम करते हैं ये बहुत जरूरी है

आप विजुअल इक्विटी बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं अपने स्टूडेंट्स में आप जिन पे भी काम कर रहे हैं लो विजन चिल्ड्रन पे काम कर रहे हैं अगर तो आप चेक कर सकते हैं कि क्या वो स्पेक्टिकल से बेनिफिट होंगे या नहीं होंगे इस प्रकार से अगर आप ये सॉरी पिन हॉल मास्क बनाते हैं और अगर आप देखते हैं कि विजुअल इक्विटी बढ़ गई है उससे तो वो बच्चा जरूर स्पेक्टिकल से बेनिफिट होगा तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर सर ने बताया कि इस प्रकार से आप मास्क बना सकते हैं और इससे चेक कर सकते हैं कि कितना बेनिफिट उसको स्पेक्टिकल से होगा और इससे विजुअल एक्विटी भी बढ़ाई जा सकती है ट्रेनिंग के दौरान भी इसे यूज किया जा सकता है ओके थैंक यू सर फॉर दिस एंड व्हाट डू वी हैव नेक्स्ट इसके बाद हम बात कर रहे थे आइडेंटिफिकेशन एंड रेफरल ऑफ लो विजन अगर हम बात करें आइडेंटिफाइंग पीपल हु आर लो विजन So, there are certain simple things which may we can do by observation. Now, many children that their eyeballs are normal, hai. they do not have any defect, but there are chances they, are, they may be low vision, they have vision problem. Hai. Lekin their eyes appear to be normal and healthy, but there are certain things which the, as a teacher or as, as a parent we can find out that he has some vision problems.

दूसरा द पर्सन मे नॉट अपियर टू बी लुकिंग स्ट्रेट अहेड वो सामने नहीं देख रहा है फॉर एग्जाम्पल उसके कोई स्क्विंट उसको प्रॉब्लम हो सकती है महंगापन भी हो सकता है वो साइड में देख रहा है अब आप बात आपसे कर रहा है जैसे मैंने पहले जिक्र किया था तो मे बी सर्टेन अदर देर द पर्सन में स्क्रू हिज हर फेस एंड फ्राउन इन ब्राइट लाइट और वेन ट्राइंग टू सी समथिंग ऐसा क्या होता है कई बार हम देखा गया है कि कई बच्चे हैं कई पे लोग हैं जो आपको देख रहे हैं बात कर रहे हैं पर उनकी आंखें ऐसे ऐसे आंखें कर लेते हैं चढ़ा लेते हैं मे बी दे आर दे दे वॉन्ट टू वर्ड दी एक्स्ट्रा ग्लेयर एक एग्जाम्पल मैं खास देना चाहूंगा कई ऐसे बच्चे हैं दे आर सब हु आर सफरिंग विद एल्बम ये हमने आम देखे हैं जी. स्कूलों में मिलते हैं हमें कई जगह हमने देखे होंगे उनकी बॉडी देखा सफ़ेद होती है जी. ये सारी भोएँ वगैरह बाल मेहंदी से लाल से सफेद होते हैं सो दे हैव सर्टेन डिफिशंसी ऑफ पिगमेंट्स फ्रॉम दी राइट फ्रॉम द स्टार्ट अर्ली स्टार्ट अर्ली एज सिंस बर्थ तो उन बच्चों को खास तौर से हु कॉल एज एलबी अब खास तौर से देखा गया है कि उनको दे प्रेफर टू सिट इन दी क्लास जब मैं काम करता था हमारे स्कूल में कई सारे बच्चे होते थे तो उसमें दो तीन हमें अभी तक याद हैं उनको जब क्लास में बिठाते थे तो वो खिड़की से दूर बैठना पसंद करते थे खिड़की पर धूप आती थी दे 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 अवॉइड सनलाइट दे यूज अ विज़िट अ कैप ओके दे, 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 okay. दे वेयर फुल शर्ट्स mm -hmm. गर्मियों में हम लोग अब आमतौर पर टी-शर्ट पहनते हैं वो फुल शर्ट पहनते हैं ग्लव्स okay. पहन लेते हैं yeah. पूरा अपना को ढक के रखते हैं ताकि सूरज का प्रकाश उनके बॉडी पर कहीं टच ना करे तो दे अवॉइड ग्लेयर जी दे आर वी कैन से फोटोफोबिया हम्म यस वो दोस ऑफ राइट तो एक स्पेशल ये मैंने एग्जाम्पल दिया है तो ऐसे कई बच्चे होंगे जो लाइट से कतराते हैं बात कर रहे हैं आपसे तो फेस को चेंजेस फेस में ले आते हैं ही और शी मे कंप्लेन ऑफ चेंजेस इन हर विजन अब देखिए इसमें दो बातें हैं विजन में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो ये एक सबसे मुसीबत वाली बात कही है या प्रॉब्लम वाली बात कही है टीचर के लिए पेरेंट्स के लिए अगर बच्चे के पेट में दर्द है चाहे बच्चा चार साल का है पांच साल का है तो वो निश्चित रूप से रोकर माँ बाप को बता देता है जी। लेकिन आंख में ऐसे कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं आर पेनलेस जिसमें दर्द नहीं होता है लेकिन विजन में कोई प्रॉब्लम बच्चे को आ रही है तो हो सकता है कई बार छोटा बच्चा मान लिया आठ नौ साल का है हो सकता है वो अपनी प्रॉब्लम्स पेरेंट्स को या टीचर्स को ना बता पाए चलता रहे ऐसा समय बीता रहता है तो ये जो फेज होता है दैट इज अ वेरी क्रिटिकल फेज जब बच्चे की उम्र कम है और उसको कोई विजन प्रॉब्लम आ रही है कोई रिफेक्टिव एरर मान लिया आंख में हो गया है एरर से मतलब नॉट अ डिजीज एरर रिफेक्टिव एरर मतलब जो हमारे आंख में चित्र बनता है बाहर से रोशनी आती है कॉर्नेस के अंदर जाती हैं अंदर एक्सविमर होता है वो भी ट्रांसपेरेंट होता है फिर प्यूपएल एक छेद होता है वहाँ से रोशनी अंदर लेंस में आती है लेंस उसको फोकस करके रेटिना पर इमेज बनाता है so, <laughs> तो दिस इज द मीडियम ऑफ सीइंग इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो हो सकता है बच्चे को पेन ना हो लेकिन देखने में कठिनाई आ रही हो तो ऐसे बच्चों को पता लगाना बड़ा मुश्किल होता है डन ऑब्जर्वेशन कि बच्चा आपसे बात कैसे कर रहा है हो सकता है बच्चा आपसे बात कर रहा हो <coughs> तो देख आपको रहा हो लेकिन ऐसे सिर टेढ़ा कर ले इफ यू एट मी आई एम टॉकिंग टू यू पर मैं आपसे ऐसे बात करूं तो यू विल फील दैट समी तो बच्चा ना बता पा रहा हो लेकिन एज अ पेरेंट और एज टीचर आप उसको ऑब्जर्वेशन द्वारा जांच कर सकते हैं कि बच्चा हमसे बात करता है तो सिर्फ घुमा लेता है mm -hmm. और व्हाट वी सेज एसेंट्रिक विंग साइड से देखने कोशिश करता है ओके okay. उसकी हेड मूवमेंट्स आई मूवमेंट्स डिफरेंट हो रही हैं क्लास में ब्लैक <coughs> बोर्ड नहीं देख पा रहा है तो होमवर्क नोट नहीं कर पा रहा है टीचर को समझ नहीं आ रहा है टीचर इज नॉट ट्रेंड इन विजुअल डिसेबिलिटी उसको इतना नॉलेज नहीं है फॉर एग्जांपल रेगुलर टीचर को तो वो उसकी प्रॉब्लम्स नहीं समझ पा रही है तो ऐसे कुछ फेजेस भी आते हैं जब बच्चा बता नहीं पाता और हम उसे पहचान नहीं पाते तो कई बार कंडीशन दे बिकम वर्स पर अगर बच्चा बड़ा है मेच्योर्ड है उसे कोई प्रॉब्लम आती है तो ही में ही और शी में कंप्लेन ऑफ चेंज वो खुद बता सकता है रिजल्ट वही है हमारा एम वही है उसको तुरंत रेफर करें और उसकी आंख की जांच कराएं और उसका रिफ्रेशन कराएं वर्ल्ड इज द बेस्ट कई बार ऐसा हो सकता है The पर्सन में फाइंड डिफिकल्ट टू सी एट नाइट रात को देखने में उसे दिक्कत होती है एज कंपेयर टू केसेस में क्या है कि हमें द्वारा अगर बच्चा छोटा है और अगर बच्चे की उम्र बड़ी है तो वो खुद बता सकता है कि मुझे शाम के टाइम अब देखने में कुछ दिक्कत महसूस हो रही है और दिन के टाइम हमें सही दिखाई दे रहा है जी। या बच्चा या व्यक्ति चलते हुए ही में बम्प इन टू द ऑब्जेक्ट्स और पीपल टकरा रहा है जैसे मैंने पहले बताया था आमतौर पर जब हम चलते हैं तो अब ऐसे तो नहीं चलते ना कि ऐसे देख रहे नीचे ऊपर देख रहे हैं नीचे देख रहे हैं ऊपर देख, देख रहे हैं हम जब चलते हैं तो हमारा जो एक पोस्चर है मेनटेन रहता है वी लुक स्ट्रेट एंड वॉक स्ट्रेट बिकॉज वी नो वट इज कमिंग ऑन ऑन आवर वे हमें पता होता है अगर रास्ते में कोई बड़ा पत्थर पड़ा है तो हमें पता चल जाता है क्यों क्योंकि हमारी नीचे की विजन जो पेट विजन है वो हमारे साथ है लेकिन कई बार इन विजन में चेंजेस आती हैं तो नीचे से कोई प्रॉब्लम आती है विजुअल फील्ड में डिफेक्ट आता है तो हो सकता है बच्चे को नीचे ना दिखाई दे और वो बार बार टकराना शुरू कर दे नीचे से टकराए हो सकता है कि राइट से प्रॉब्लम आ रही है तो राइट में उसके कोई चोट लग जाए राइट में ना दिखाई दे हम बच्चे को आवाज लगा रहे इशारे कर रहे हैं लेकिन वो आपको देख नहीं रहा है क्यों क्योंकि उसको इधर के सामने लेफ्ट का दिखाई दे रहा है लेकिन राइट में प्रॉब्लम गई है तो आपको so आ आ okay. okay. तो ऐसा okay. okay. होता है हमने देखा है हम बच्चे से <coughs> बात कर रहे हैं अगर हम बात कर रहे हैं तो ही रिक्ज बाई आवर वॉइस हमारी okay. आवाज सुनकर वो हमें पहचान लेगा लेकिन अगर हम अपनी आवाज़ ना हम ना उससे बातचीत ना करें बोले नहीं या उसके पास जाके थोड़ा दूर खड़े हो जाते हैं तो हो सकता है वो अप, आ, आपको आपके पास बुलाए या खुद चल हमारे आपके पास आए आपको पहचानने के लिए ही मे नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई हू यू आर ही मे है प्रॉब्लम तो देर कई सारे ऐसे और भी चीज़ें हैं द लिस्ट इज आई मीन इन एक्सोस्टिव कई सारी हैं hmm. तो ऐड hmm. कर सकते हैं बट मेनली बाई ऑब्जर्वेशन एंड बाई कम्पलेंट्स हम पता ला सकते हैं कि प्रॉब्लम क्या है सो अर्ली आइडेंटिफिकेशन भी बहुत ज़रूरी है और जैसे समझता है कि आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं आई होप अब आप अपनी क्लास में विजुअल आई वुड नॉट से लो विजन बच्चों को आई वुड नॉट से विजुअल इम्पेयर्ड लो विज़न बच्चों को या ब्लाइंड या नॉर्मल विजन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप जान सकते हैं कि उनकी अगर आंखों में कुछ अपियरेंस में प्रॉब्लम है या उनका Uh, देखने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है वो पोस्टर चेंज करते हैं वो फ्राउन करते हैं या किसी भी प्रकार से वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते ऑब्जेक्ट्स को बंप करते हैं चीज़ों में उनको राइट right से लेफ़्ट से कहीं से चीज़ नहीं दिखाई देती है तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि द पर्सन हैज़ लो विज़न या उसको देखने में कुछ प्रॉब्लम है और उसको आप जल्द से जल्द रेफर कर सकते हैं एक ऑप्थमोलॉजिस्ट के पास राइट right? और ओके uh, okay. तो so, ये आप कर सकते हैं और साथ में जैसे ही आप असेसमेंट करवाएंगे और आपको पता करना है कि कितना इसमें रेजिडुअल विजन है और उस प्रकार से आप अपना ट्रेनिंग प्लान कर सकते हैं आइए कि अब देखते हैं क्या-क्या असेसमेंट -क्या कर सकते हैं हम इन बच्चों में uh, सबसे बड़ी बात जो मेन आती है दैट इज द असेसमेंट पार्ट व्हिच आई मस्ट से इज द वर्क प्योरली होलसोल वर्क ऑफ द टीचर ऑफ द स्पेशल एजुकेटर जो भी व्यक्ति इन लोगों से जुड़े हुए हैं या इनके साथ काम कर रहे हैं चाहे वो स्पेशल स्कूल में हों चाहे वो अपना एक अलग से लोविजन प्रोग्राम चला रहे हों या ब्लाइंड बच्चों के साथ ही स्पेशल स्कूल में इनको अलग से इनका प्रोग्राम चला रहे हों जैसा भी केस है असेसमेंट इज़ दी मेन पार्ट विच इज़ कैरियड बाय दी टीचर अब दो प्रकार के असेसमेंट होते हैं जैसे कि पहला मेरे पास स्लाइड है इसमें लिखा है मैंने फर्स्ट इज दी क्लिनिकल असेसमेंट क्लिनिकल असेसमेंट इज बेसिकली डन बाय एन ऑप्थोमोलॉजिस्ट आई स्पेशलिस्ट जो आंख के डॉक्टर हैं या जो ट्रेंड विजन में हैं विजन कंसल्टेंट्स हैं हॉस्पिटल्स में हैं ये उनके द्वारा किया जाता है और इससे हमें क्या मिलता है इससे हमें ये चीजें मिलती हैं सबसे पहले विजुअल एक्यूटी जो मैंने पहले जिक्र कर चुका हूं बीच लक्विटी नियर एंड डिस्टेंट पास की और दूर की दृष्टि दो टाइप की होती है हमारी एक दूर की जिसको कि हम इस चार्ट द्वारा नापते हैं जो मैंने बताया सेनल चार्ट और एक नियर की होती है इसके अलग चार्ट, 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 चार्ट होते हैं लॉग्रेमिक चार्ज बोलते हैं जेगर्स चार्ज बोलते हैं ये अलग चार्ज होते हैं जिनको कि पास से इंचज में आए थे हैं फिर हम okay. अभी मीटर्स में तो इंचज में आए थे फ्रॉम इतने इंच फोर्टी इंच थर्टी इंच ऐसे करके वो पास से नाप आता है दैट इज अ डिफरेंट कंडीशन डिफरेंट टेक्निक तो ये नियर विजन बच्चे की या पेशेंट की कितनी है उसकी डिस्टेंट विजन कितनी है नंबर तीन उसका दृष्टि क्षेत्र जिसे मैंने पहले बताया उसका दृष्टि क्षेत्र कितना है उसमें लॉस है तो कहां पर लॉस है और कितना लॉस है ये भी हमें क्वालिफाइड एक्सपीरियंस ऑप्थल्मोलॉजिस्ट या जो ट्रेंड लोग हैं वो हमें करके देते हैं तीसरा है कलर विजन कलर विजन के लिए कई सारे टेस्ट होते हैं बुक्स होती हैं जो कि हम पता लगाते हैं कि बच्चे में बच्चे को या पेशेंट को कहीं किस कोई खास कलर पहचानने में कोई दिक्कत तो नहीं है कई बार कई बार ऐसा होता है कई बच्चों में वो ब्लू को ब्लैक ब्लैक को ब्लू दे फाइंड नो डिफरेंस बिटवीन ब्लू एंड ब्लैक दे फाइंड नो डिफरेंस बिटवीन येलो एंड ऑरेंज और रेड ऐसे कई कलर्स में उनको पहचान नहीं होती है एंड दिस इज़ नॉट सरप्राइजिंग ये कई बच्चों में हम देखा है ऐसी कोई बात नहीं हराने वाली बात नहीं है कलर डिविजन डिफेक्ट कई बच्चों में होता है जेनेटिकली भी होता है कई बार हमारी जैसे आँखों में रेटिनाइ परत है उसमें रॉड्स एंड कॉन्स होते हैं तो उसमें रॉड जो है शाम के टाइम हेल्प करते हैं हमें मूवमेंट्स वगैरह पहचानने में और एक कोन्स होते हैं जो कि बचपन से ही जन्म से ही कॉन्स में कुछ खास कलर्ड पिगमेंट्स होते हैं उन पिगमेंट्स के कॉम्बिनेशन से ही हम लोग ये दुनिया देख पा रहे हैं रेड क्या है ब्लू क्या है ब्लैक क्या है वाइट क्या है ये सब बेसिकली ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ दो पिगमेंट्स तो जन्म से ही उस पिगमेंट्स में कमी होने के कारण या और किसी वजह से बच्चा कई कलर्स को पहचानने में दिक्कत करता है दिक्कत महसूस करता है बता नहीं पाता है सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये हमको ये चीज़ें हमें पता चले डॉक्टर द्वारा वंस द चाइल्ड हैज़ बिन असिस्ट बाय द डॉक्टर एंड वी हैव गॉट द डिटेल्स और वट वी सी एज विजुअल स्टेटस ऑफ द चाइल्ड

वो भी हट सकता है विथ सब सर्टेन एक्सरसाइज वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं तो इस प्रकार ये जब चार्ट हमारे पास आ जाता है देन इट इज द वर्क ऑफ द टीचर वट वी कॉल एज डूइंग द असेसमेंट दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वट वी कॉल एज फंक्शनल असेसमेंट फंक्शनल असेसमेंट और इन अदर टर्म्स यू कैन से असेसमेंट ऑफ द फंक्शनल विजन जैसे पहले जिक्र किया था हमने रिमेनिंग विजन जन एक और टर्म बीच में आती है फंक्शनल विजन इसका It's मतलब सेम yeah, मतलब ये है vision. कि वो विजन किस कार्य में किन किन कार्यों करने में उसका प्रयोग कर सकता कर सकता है सकते. है या okay. रहा तो ये बहुत जरूरी है असेसमेंट में टेक हाफ एन आवर और से ट्वेंटी मिनट फिफ्टीन मिनट्स बट विच इज डन द डॉक्टर बट दिस असेसमेंट वी शुड नॉट बी इम्पेशउट दिस असेसमेंट इसको बड़े धैर्य से धीरे धीरे हमें करना पड़ता है कई सारी चीजें देखनी पड़ती है कि टीचर का बच्चे के साथ रेपो कैसा बना हुआ है मान लिया एक बच्चा स्कूल में दाखिला लेता है अभी टीचर के साथ उसका रेपो नहीं बन पाया है टीचर के साथ उसका मित्रता नहीं हो पाई है तो टीचर शुड टेक समाइम टू बिल्ड सम कॉन्फिडेंस ऑफ हिज और हर कॉन्फिडेंस विद इन द चाइल्ड ताकि उसके साथ मित्रता हो जाए दोस्ती हो जाए उसके साथ बैठ कर उसको मैसेज कर सकें mm -hmm. इसमें जल्दबाजी कोई नहीं करनी चाहिए ये नहीं कि हमने सारी एक्टिविटीज आज ही एक दिन में कर डालनी है बच्चा थका थक तो नहीं गया है कंडीशन्स कैसी हैं लाइटिंग कंडीशन कैसी हैं बच्चे का मूड कैसा है अफकोर्स सब कई फैक्टर्स अगर कंट्रोल करके चले तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है बट द रिजल्ट विच वी गेट फ्रॉम देम आर ऑफ अटमोस्ट फॉर प्लानिंग सर्टेन एक्टिविटीज़ ऑफ द चाइल्ड उस बच्चे को पढ़ने के लिए लिखने के लिए और दैनिक क्रियाओं के लिए जो हम एक्टिविटीज़ डेवलप करते हैं वो तभी पॉसिबल है जब ये एक्टिविटीज़ जो हमारे सस्पेंट के जो हमारी ये एक्टिविटीज़ हैं इनको सही रूप से धीरे धीरे समझ कर हम परफॉर्म करें तो इसमें हमारे सात एक्टिविटीज़ यहाँ पर हमारे पास हैं बिफोर आई गो ऑन टू दिज एक्टिविटीज़ आई वुड लेक टू मैंशन कि हमारे देश में 80 के दशक में जब हमने एन में मैंने काम शुरू किया था देहरादून में सो मुझे नहीं पता था इतना कि हमें कौन सी असेसमेंट टूल्स कौन से असेसमेंट किट तैयार करनी है कैसे करना है सो so, स्लोली एंड स्लोली आ, मैंने एक विजुअल एफिशिएंसी ट्रेनिंग की डेवलप की थी okay. जिसका नाम था लुक एंड थिंक इट ओके okay.

एक विजुअल एफिशिएंसी ट्रेनिंग की डेवलप की थी जिसमें ग्रेडिड एक्सरसाइज थी स्टार्टिंग फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स बच्चे के साथ पहले एक्टिविटी हमने कौन सी करनी है जब वो बच्चा पहले एक्टिविटी कर लेता था तभी हम दूसरी एक्टिविटी पर प्रोसीड करते थे नहीं तो चाहे उसमें एक दिन लगे दो दिन लगे हम उसको वहीं स्टिक करेंगे वहीं पर रहेंगे जब तक बच्चा उसको अच्छी तरह से परफॉर्म ना कर पाए कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट कि हमें इस असेसमेंट करते समय जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए तो हम ये हम ये मैंने एक जो किट बनाई थी काफ़ी अच्छी थी और हम इसको अपने बच्चों पर हम इसको प्रयोग में लाते थे इसमें कई सारे एक्सरसाइज एक्सरसाइज होती थी एक्टिविटीज थी कुछ तो टू डायमेंशनल थी ऑफकोर्स पिक्चर फॉर्म में थी और कुछ थ्री शेप में थी जी। आ, लकड़ी के हम सैंपल्स लेकर बना के जोमेट्रिकल शेप्स बनाकर तो ऑफकोर्स वी कैन कॉल दम थ्री डी उससे लेकर हम आगे चलते थे प्रॉब्लम थी आई थी कि ऐसा महसूस हुआ कि हमारे नॉर्थ में हम कोई किट फॉलो कर रहे हैं असेसमेंट टूल फॉलो कर रहे हैं और वेस्ट में कुछ और हो रहा है साउथ में कुछ और हो रहा है कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं थी स्टैंडर्डाइजेशन नहीं था like. तो आई रिम्बर वी हैड एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन लो विजन एट एन ए बी एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड बॉम्बे ईयर एंड इन विच आई पार्टिसिपेटेड तो वहां पर एक जिल कीफी द्वारा एक और यूनिफॉर्मली एक्सेप्टेड और उसको हम फॉलो कर रहे हैं एंड देट इज अ वेरी गुड किट ऑल्सोर्स उसके बाद में हमने ट्रेनिंग भी ली थी आगे ट्रेनिंग लोगों को दी भी थी टीचर्स को भी ट्रेनिंग दी थी और अब तक तो उसको फॉलो करते आ रहे हैं तो उसी किट का <coughs> मैं कुछ यहाँ पर असेसमेंट उस किट के असेसमेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ कि किस प्रकार से उसमें सात एक्टिविटीज है सो एक्टिविटीज वुड एट द फर्स्ट इंस्टेंस सीम टू बी वेरी सिंपल देखने बहुत सिंपल है जी. लेकिन इनका महत्व क्या है यह बहुत जरूरी है सिंपल okay. इसलिए है क्योंकि मैं और आपको देखने में कठिनाई नहीं है जी. आप मुझे देख रहे हैं मैं आपको देख रहा हूँ आप पढ़ रहे हैं मैं पढ़ रहा हूं लेकिन जिस बच्चे की जिस व्यक्ति की दृष्टि कम है उसके लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एक्साम्पल पहली है अवेयरनेस एंड अटेंशन टू ऑब्जेक्ट हम एक एक लेके चलेंगे इसको अवेयरनेस एंड अटेंशन टू ऑब्जेक्ट वी कॉल्ड एज एक टर्म है skill है स्किल फिक्सेशन वी को हम पहले करते हैं अटेंशन टू कॉल्डेशन इसका मतलब यह है मैं यहां बैठा हूं मैं सामने देख रहा हूं सो आई है केबिलिटी आई हैव द स्किल To focus my eyes on a particular object, I can focus my eyes on this object. I can focus my eyes on this object. I can focus anywhere, whether near or distant. But there are some children, many children, low vision, those who have the problem, those who are not able to fixate their eyes permanently on an object. Object जो है। रह, है। है कि थेरेम में रुका हुआ है, चल नहीं रहा है, हिल नहीं रहा है। ये बहुत जरूरी है, इसलिए कि ये उसको वो सिखाना पड़ेगा

क्या उसमें एक्सरसाइज में मैं नहीं जाऊंगा कि ऐसे पेंसिल लो ऐसे लाओ ऐसे करो ऐसे करो दे सर्टेन अदर कंडीशन ऑल्सो विच फॉलो विद देम लेकिन फिक्सेशन करना बहुत जरूरी है उसके लिए क्या है कि हम बच्चे को वी हैव आई विल जस्ट गिव द डिमोस्ट्रेशन ऑल्सो अलॉन्ग विद इट वी कैन होल्ड दिस एन ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट शुड बी एज लार्ज एज दिस बॉक्स आई एम होल्डिंग माई राइट हैंड एंड आज द चाइल्ड टू बी अवे और

लो कॉस्ट कॉस्ट नो ओके पैसा बचाओ काम करते हैं फॉर uh, एग्जांपल ये मैंने पहले दिखाया था आपको तो ये एक सिंपल मेरे एक फाइल कवर था उसको मैंने काट कर इसको ब्लैक से पेंट कर दिया तो इट कॉस्ट मी नथिंग और इसका पर्पज सॉल्व हो गया है तो इट शुड बी लो कॉस्ट नो कॉस्ट जो भी हम टीचिंग लर्निंग मेटेरियल डेवलप करते हैं वो जितना भी हमारा वेस्टेज है स्क्रैप है उससे हम बना सकते हैं तो वी कैन हैव एनी ऑब्जेक्ट होल्डिंग इन द हैंड ज द चाइल्ड That is ऑन दैट ऑब्जेक्ट दैट इज फिक्सेशन objects, सिंपल वी कैन चेंज first एंड Second is, then इज the देन should शुड increased. इंक्रीज बच्चा अगर दो मीटर पे एक मीटर सपोज एक मीटर पे था उसको धीरे धीरे दो मीटर पे लाओ फिर तीन मीटर पे लाओ अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स आई वोट रिपीट दिस वर्ड टाइम दिस थिंग अगेन अगेन सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जो भी एक्टिविटी होगी

सामने से बस आती है और यूं च करके चले आती है तो हम उसको देखते रहते हैं और देखते देखते हमारी बस चलाती है तो वी आर नॉट फॉलोइंग दैट बस मैं अब पैरों से उसका पीछा नहीं कर रहा हूँ लेकिन मैं उसको सिर्फ आईज से फॉलो कर रहा हूँ आई एम स्टेबल बट आईज मूव मे बी अगर बस बहुत दूर से आ रही तो उस टाइम मेरे हेड मूवमेंट्स भी साथ साथ हिले अगर मेरी फील्ड के बाहर बस है बस सपोज यहाँ से आ रही है तो उस टाइम मुझे बस को देखने के लिए ऐसे मुड़ना पड़े टू मेक अ न्यू फील्ड

to the child and we have to plan certain activities for them also so the second one was tracking it means control of eye movements for this you can again uh, giving a simple example in a classroom we even do not need to go time and again to the playground or some other place for these, these things for assessment in the classroom itself we can uh, for example, hang a big colorful ball with a thread onto the wall and simply make it move. Wo left say right jaga, right say life jaga. Ask the child to sit about 4 or 5 meters away from the ball and ask him to follow, see the ball moving. That is what is called tracking. Or second activity I can say in the classroom itself, take a bright, uh, big and colorful, bright colors mm. may ho, ball. Ne.

तो हम बात कर रहे हैं असेसमेंट की असेसमेंट में हम दो टाइप के असेसमेंट की बात कर रहे हैं क्लिनिकल असेसमेंट और फंक्शनल असेसमेंट क्लिनिकल असेसमेंट वो है जो डॉक्टर करता है या आई स्पेशलिस्ट करता है और फंक्शनल असेसमेंट हम लोग और स्पेशल एजुकेटर्स करते हैं फंक्शनल uh, असेसमेंट में हम दो चीज़ों की बात कर चुके हैं फिक्सेशन की बात कर चुके हैं और ट्रैकिंग की बात कर चुके हैं टोटल सेवन पॉइंट्स है इसमें एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम इसको कंटिन्यू करते हैं